बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बट व्लॉग्स और मैं हूं फैज़ान दार। आज हम उग्गो की मोड़ से ये टाउन कमेटी सियालकोट जो उग्गो की यूनियन काउंसिल उधर से जाएंगे सियालकोट किले पे। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको रास्ता सब बताएंगे, मालूमात देंगे पूरी, और सफ़र से आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये उग्गो की स्कूल है साथ में गवर्नमेंट का लड़कियों का, और चले हम अभी स्टार्ट करेंगे। ये जी सफ़र हमारा शुरू हो गया। ये देखें माशाल्लाह, ये उग्गो की मोड़ से हम निकले थे। ये मार्केट है लाला जी मार्ट उग्गो की मोड़ पे, और ये आगे आ रहा है राइट साइड में स्कूल जो मस्जिद है। ये उग्गो की हाई स्कूल है जी, इधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उग्गो की। ये ट्रैफिक अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हमारा व्लॉग बनाने का मकसद इंटरटेनमेंट भी है और आप लोगों के साथ ये इंजॉयमेंट भी होगी इंशाल्लाह। आप बहुत इंजॉय करेंगे ये वीडियो देखकर। ये देखें, शोर तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। ये अभी तकरीबन हम उग्गो की से निकल चुके हैं और ये हम सियालकोट की तरफ अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये मुकम्मल वीडियो आप देखेंगे। ये आ गया अभी नौला मोड़। ये पीएसओ का पेट्रोल पंप है ये राइट साइड में। बाइक पे हम लोग ये जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत शोर है। ये है जी पीरल अरीना मैरिज हॉल। अभी ये लेफ्ट साइड में स्टार पार्क कंपनी आ रही है। ये फुटबॉल बनाते हैं ज़्यादा। ये देखें बहुत अच्छी कंपनी है ये जी, बहुत अच्छी मार्केट है इसकी। कोई भी मैंने आज तक बंदा नहीं देखा जो उसने कहा घुमाया ये स्टार पार्क अच्छी नहीं है, तनख्वाह नहीं देती, सैलरी लेट करती है, या किसी किस्म का मसला इसमें मैं अभी तक नहीं सुना। ये रहमत मैरिज हॉल है, रहमत मैरिज सिटी माशाल्लाह, बहुत मशहूर जगह है इधर जी। ये आगे मिजान स्कूल है तुर्किश स्टैंडर्ड। ये देखें मिजान स्कूल। रश अभी है असल में, इधर फैक्ट्रियां ज़्यादा है तो छुट्टी का टाइम है ना। ये राजको इंडस्ट्रीज हैं, इसमें अभी छुट्टी हो चुकी है। ये राइट साइड में देखें, ये सड़कें तो देखें ज़रा, कहीं कहीं टूटी ज़रूर आएगी।
अभी इधर एक मार्केट नहीं बनी है, थोड़ी आगे आएगी जाके आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छी मार्केट है वर्ल्ड लेवल की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सियालकोट आप लोगों ने सुना होगा जी, बहुत अच्छा शहर है। मतलब इसमें इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इधर हर किसी को तकरीबन काम मिल सकता है, सिर्फ उसको नहीं मिलेगा जो करना नहीं चाहता। ये देखें, इस मार्केट में बात कर रहा था, मार्केट की इम्तियाज़ मेगा मार्ट माशाल्लाह। ये पूरे इलाके के लिए बहुत अच्छा है जी, इसका काम बन चुका है, रोज़गार भी है और हर वो चीज़ मिल सकती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ये दीवाने ख़ास है, ये भी एक मैरिज हॉल है। यहाँ इंशाल्लाह देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, आप इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे ये वीडियो। ये रक्षा देखें, रक्शे में भी लोग सफ़र कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त, अजान का टाइम हो गया, असर की अजान हो रही है। ये भी एक मास्टर टाइल्स वाले हैं, टाइल रश है, धूल है, मिट्टी है, तो ये तो पाकिस्तान में हर जगह आपको मिलेगा ऐसा माहौल। ये रश देखें, दूसरी साइड में वो रोड बन रहा है, थोड़ा सा आगे से बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। ये सुजुकी मोटर का शोरूम है माशाल्लाह। ये जी पुल बनाया था नून लीग ने, इफ्तिताह किया इसका इमरान खान ने, नून लीग के दौर में जब बनना शुरू हुआ था, इफ्तिताह इसका हुआ है इमरान खान के दौर में माशाल्लाह। बहुत आसानी हो गई है लोगों को इसकी, बहुत जल्दी, नहीं तो पहले इधर बहुत ज़्यादा रश होता था, इधर घंटों खड़ा रहना पड़ता था इशारे पे, लोग मोटरसाइकिलों वाले इधर से उधर से ऐसे निकल रहे होते थे। बहुत बुरी सिचुएशन थी पहले, अभी तो माशाल्लाह ये पुल की वजह से आसानी हो गई। थोड़ा आगे जाके रश होता है, लेकिन इधर पुल वाली जगह पे ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अपनी जगह से अपनी बारी से निकलना है हर किसी को चाहिए, लेकिन रक्षे वालों वाली जो है वो ज़रा नहीं ख्याल करते अपनी बारी का, अपने हाथ का, वो जैसे भी वो निकल जाते हैं। एक बहुत मशहूर
ये देखें इधर थोड़ा रश होना शुरू हो गया। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह असर की अजान हो रही है भाई इधर भी माशाल्लाह। ये रश देखें देखें माशाल्लाह। थोड़े से हम राज से बाहर निकले हैं, अभी इधर से हम करेंगे यू टर्न, दूसरा रास्ता पकड़ेंगे थोड़ा ताकि रश ना आए दोबारा। इधर से लेफ्ट हो जाएंगे, रश तो इधर भी है लेकिन ये देखें ये खादम अली रोड है जी, शालकोट का बहुत मशहूर रोड खादम अली रोड, ये देखें ये देखें। रश इधर भी है थोड़ा बहुत, असल में ये है छुट्टी का टाइम है इसलिए थोड़ा रश है। ये रक्षे देखें, जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनके लिए तो रक्षा एक और चीज़ है, बाहर कई मुल्कों में रक्षे नहीं हैं। एक सिटी पब्लिक हाई स्कूल है खादम अली रोड से, हम आपको इंशाल्लाह हर वो चीज़ दिखाएंगे जो फेमस है शालकोट में। अभी इधर से लेफ्ट हो जाएंगे, ये थोड़ा इलाका ठीक है, इधर रश कम है। इधर लेफ्ट साइड में देखें ये अगर आपको नज़र आ गई हो तो ये कोठियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, ये कुछ टाउन बना हुआ है। पुलिस वाले तो इशारे पे बहुत कम ही नज़र आते हैं। ये जो अभी मेरे ख्याल में ये कचहरी रोड है, सफाई हो रही है, नाले में सफाई हो रही है इधर। ये कचहरी रोड है जी सियालकोट का,
थोड़ा आगे जाके कचहरी शुरू हो जाएगी। अभी तो ड्यूटी तो ऑफ हो चुकी है, उधर दफ्तर बंद हो चुके हैं। ये सिटी पब्लिक हाई स्कूल है, ये गर्ल कैंपस का जो पहले था वो बॉयज़ का दिखाया था खादम अली रोड पे। ये जेल है, ये सियालकोट की बड़ी जेल है, ये डिस्ट्रिक्ट की जेल है ये सियालकोट की। ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल, ये लेफ्ट साइड में सिविल लाइन है, थाना है ये सियालकोट का, मेन गेट इसका जेल का था वो मेन गेट। इसके अंदर डीसी ऑफिस है, मुख्तलिफ अफसरों के इधर ऑफिस हैं। ये देखें ये वकीलों की बैंक गाड़ने के लिए छोटे छोटे जो होते हैं। इधर पहले सिनेमा होता था, अभी तो सिनेमे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, एक दो ही सिनेमा रह गया। अभी हम इधर से लेफ्ट हो गए, अभी पकड़ेंगे कमिश्नर रोड। ये जी गवर्नमेंट गर्ल स्कूल है माशाल्लाह, ये अभी कमिश्नर रोड है जी, आगे पैरिस रोड, सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा, पैरिस रोड आ गया ये। इस रोड पे बैंक तकरीबन सियालकोट जितने भी बैंक हैं ब्रांचेज उनकी एक एक इधर ज़रूर है। ये फाटक है, रेलवे फाटक। ये आ गया जी, ये कौन सा चौक है जी? लामा इकबाल चौक सियालकोट का, वो ऊपर देखें शहीन लगा हुआ है, इस पे तो ड्रामा वाला चौक भी कहते हैं। इधर राइट साइड में ये होटल अल्लाह मालिक बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। ये देखें ये है जी ड्रमा वाला चौक सियालकोट का, वो सामने अल्लामा मालिक होटल है। अभी इधर हम जाएंगे, किला तकरीबन करीब ही आ चुका है। ये देखें शोर बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का, ये जो रिक्शा वगैरह है इनका तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना धुआं मार रहा है ये रिक्शा,
पहुंचे जी, हमने थोड़ा सा शॉर्टकट किया। ये कोई कपड़े वाली मार्केट है, ये देखें होजरी वाला। ये होजरी वाला कपड़ा केड़ा वाला? होजरी वाला जो जैकटों के अंदर वगैरह लगता है सर। ये देखें मार्केट, मैंने भी पहली दफ़ा देखी है। वो गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल है सामने। बिल्कुल हम किले के पास पहुंच चुके हैं। ये जी हम किले के ऊपर चढ़ने वाले हैं। ये देखें माशाल्लाह। जी हम तकरीबन किले के ऊपर आ गए हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ पठानकोट। ये भी हो रही है। ये जी हम किले के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखें जी इफ्तिताह किया हुआ किसी ने, पता नहीं किस चीज़ का। किला तो बहुत पुराना है। ओल्ड पार्क की अपग्रेडेशन इफ्तिताह दस्ते जनाब इमरान खान। सही हो गया। अभी वो सामने देखें सियालकोट तो जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। इधर क्या होता है जी? 6 नंबर को परचम इस्तकलाल जो तीन शहरों सियालकोट लाहौर और गुजरांवालों को मिला है 1967 जंग में शहरियों की जिंदा दिली और बहादुरी की वजह से, उसकी तकरीब होती है यहाँ पे। और 14 अगस्त की जो सियालकोट की मरकजी तरकीब होती है ना, वो यहाँ यहाँ इसी ग्राउंड पर होती है। ये देखें ये किले के ऊपर का मंजर है ये सारा। ये पार्क छोटा सा बना हुआ है, इसका इमरान खान ने इफ्तिताह किया था। ऑपरेशन